हेलो बच्चों कैसे हो सब लोग तो भाई आप सबको मेरा नमस्कार मैं हूँ गुप्ता आपको तो पता ही है मैं हूँ कौन मैं कौन हूँ गुप्ता और इसके पहले ना मैंने पहला चैप्टर जो है कक्षा तीन एन की जो बुक है उसके मैंने कक्षा तीन का पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है मैथ का आज को आज का जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है और इसके पहले ना मैं कक्षा तीन की ही आसपास की जो बुक है उस वो पूरी कंप्लीट करा चुकी हूँ ठीक है देख लेना अगर देखना हो तो ठीक है तो चलिए आज का जो सेकेंड चैप्टर है वो शुरू करते हैं हुं? तो हमारा सेकंड चैप्टर क्या है संख्याओं की उछल कूद क्या है संख्याओं की उछल कूद देखिए बच्चे कुछ उछल कूद कर रहे हैं पहले तो इसे जूम कर लेते हैं आखिर ताकि साफ साफ नजर आए तो यहाँ पे एक लड़की है राधिका क्या है राधिका नाम है इसका ये कहती है मैंने चौबीस बीज चुने हैं तो इसने कितने बीज चुने हैं इसके पास बीज जो हैं कितनी संख्या है ट्वेंटी फोर मतलब चौबीस ये है गौरी यह है गौरी गौरी के कहती है अरे वाह मुझे सैंतालीस बीज मिले कितने मिले सैतालीस मतलब फोर्टी सेवन और ये जो सुशील है लड़का ये कहता है ये रहे मेरे अड़तीस बीज कितने थर्टी एट कितने थर्टी एट फिर ये जो लड़की है इंदिरा ये कहती है मैं मुझे तो चौवन बीज मिले कितने फिफ्टी फोर ठीक है और ये जो विक्की है विक्की कहता है मेरे पास बयालीस बीज हैं कितने बयालीस मतलब फोर्टी टू तो इस तरीके से सब ने कुछ कुछ यानी अपने अपने बीज लिए हैं तो कहते हैं राधिका गौरी विक्की कि इंदिरा सुनील इमली के बीज इकट्ठा कर रहे हैं किसके बीज इकट्ठा कर रहे हैं इमली के सबसे अधिक बीज किसने इकट्ठा किए तो भाई देखो सबसे अधिक बीज किसके पास हैं तो मुझे तो नज़र आ रहा है चौवन ठीक है सबसे अधिक बीज किसके पास हैं चौवन मतलब इंदिरा के पास और सबसे कम भी देख लेते हैं नहीं तो फिर से ढूंढना पड़ेगा सबसे कम जो बीज हैं वो हैं राधिका के पास चौबीस तो यहाँ पे कह रहे हैं सुनील बीज और इकट्ठा करेगा तो उसके बीज विक्की के बराबर हो जाएंगे तो सुनील कितने बीज इकट्ठा करे कि विक्की के बराबर हो जाए किसके बराबर विक्की के बराबर तो देखते हैं भाई सुनील के पास कितने हैं तो सुनील के पास जो बीज हैं वो अड़तीस हैं कितने हैं अड़तीस और कितने हों इकट्ठा करें कि विक्की के बराबर हो जाएं तो विक्की के पास हैं बयालीस तो बयालीस जो हैं बयालीस बीज हैं विक्की के पास तो हम ऐसा करते हैं बयालीस जो विक्की के पास जो ज़्यादा हैं ठीक है थीके? विक्की के पास ज़्यादा है ना और सुनील के पास कम है तो कम है वाले वो घटा देंगे ठीक है तो हमें पता चल जाएगा सुनील को और बीज चाहिए विक्की कितने भी चाहिए जो विक्की के बराबर हो जाए तो यहाँ पे दो है दो बड़ा है ना सॉरी दो छोटा है ना आठ से तुमको तो क्या लेना पड़ेगा एक हासिल लेना पड़ेगा तो हासिल लेना पड़ेगा ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दो की जगह पर बारह हो जाएगा तुम तो बारह में से अगर आठ हटाएँगे अपनी फिंगर पर गिनना ठीक है ये आपका हैंड है ठीक है तो ये तीन पार्ट होते हैं ना आपके हैंड के इस तरीके से कुछ हैं तो ये कह रहे हैं बारह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह में से आठ चले जाएंगे तो तीन तो ये हो गया तीन तीन छः ये हो गए सात आठ दो इसमें से ले लिए तो एक दो तीन चार चार बच गए और यहाँ पे एक ले लिया था तो यहाँ पे तो तीन बच गया यहाँ पे बचा तीन तीन में से तीन गया जीरो तो मतलब कि चार बीज और चाहिए ठीक है कितने बीज चाहिए चार बीज और चाहिए किसको सुनील को बराबर करने के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे तो सबसे अधिक बीज थे फिफ्टी एट हाँ और यहाँ पे चार बीज और चाहिए फिर ये कह रहे हैं अगर राधिका को छः बीज मिल जाते किसको राधिका को छः बीज और मिल जाते तो उसके पास कितने बीज हो जाएंगे तो राधिका के पास हमने कितने देखे थे चौबीस तो चौबीस में छः और बीज मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे चौबीस थे पहले छः बीज और मिल गए तो छः और चार दस दस हुए दस का हम क्या लिखेंगे जीरो लिखेंगे हासिल क्या बचा एक तो एक और दो जोड़ेंगे तो तीन हो जाएगा मतलब तीस बीज हो जाएंगे फिर आगे चलते हैं आगे क्या लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है कितने बच्चों के पास चालीस से अधिक बीज हैं तो कितने बच्चों के पास चालीस से अधिक बीज हैं तो देखते हैं भाई कितने बच्चों के पास देखो एक और दो तीन तीन बच्चों के पास चालीस से अधिक बीज हैं ठीक है फिर आगे चलते हैं आगे क्या कह रहे हैं फिर कह रहे हैं को तीन और बीज चाहिए ताकि उसके पास पचास हो जाए मतलब किसको तीन किसको तीन बीज और चाहिए कि पचास हो जाए तो पचास में से ना ये तीन ही घटा देते हैं सबसे पहले तो हमें पता चल जाएगा कितने बीज हैं उसके पास तो पचास में से तीन घटा दिए तो द तो यहाँ पे तो जीरो है तो जीरो को हम दस बनाना पड़ेगा दस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हासिल लेना पड़ेगा पाँच से तो पाँच की जगह पे क्या हो जाएगा चार हो जाएगा तो यहाँ पे हम चार लिख देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा दस दस में से तीन क्या सात और चार का चार हो जाएगा मतलब सैतालीस बीच देखते हैं किसके पास है तो सैंतालीस बीच हैं हमारी गौरी जी के पास किसके पास हैं जी के पास आगे चलते हैं तो आगे जो है तो आगे आखिरी हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सुनील के पास चालीस से दो बीज कम है चालीस से दो बीज कम कम मतलब चालीस से कितने बीज कम हैं दो बीज कम है मतलब दस में से दो गया आठ और चार की जहाँ पर क्या बचा तीन तो अड़तीस बीज हो गए और के पास चालीस से दो बीज अधिक हैं ठीक है तो किसके चालीस दो बीज अधिक अधिक मतलब हम जोड़ देंगे मतलब ये चार और दो और जीरो हो गया है, दो और चार की जगह पे चार मतलब फोर्टी टू तो हमको बताने फोर्टी टू किसके पास है तो फोर्टी टू ये मिल गया फोर्टी टू है विक्की के पास किसके पास है विक्की के पास तो यह हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा सुनील के पास चालीस से दो बीज कम है और विक्की के पास चालीस से दो बीस अधिक हैं तो इस तरीके से ही हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई तो आगे चलते हैं आगे क्या है बिंदियों का खेल किसका खेल बिंदियों का खेल फिर आगे यहाँ पर लिखा है अंदाज़ा लगाओ कि गोले के अंदर कितनी बिंदियाँ हैं अब उन्हें गिनो और देखो कि तुम्हारा अंदाजा कितना सही है अलग अलग गोले बनाकर या यह खेल अपने दोस्तों के साथ खेलो और देखो कि कौन सा अच्छा अंदाजा लगाता है तो बिंदियों से बताना है कि गोले में कितनी बिंदियाँ हैं उनको गिन उनको गिनना है और अंदाजे से बताना है ठीक है इस तरीके से काम करता है और देखना है कि अंदाज़ा सही आता है तो आपको बता दें देखो तो बच्चों ये चैप्टर है जो ना मैं पूरा कराने वाली हूँ इसी वीडियो में आपका चैप्टर काफ़ी लंबा है ठीक है तो आपको ना थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा ताकि आपका ना चैप्टर कंप्लीट हो जाए आप अच्छे से पढ़ सको मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ और अगर आपको फिर भी लगता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन जो घंटा सा लगा होता है उसको कर लीजिएगा हिट